जमीन जो हम दिए हुए हैं आयुर्वेदिक कॉलेज को, मौखिक ही जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हम उसका दान पत्र आपको बना देते हैं ताकि आगे कठिनाई नहीं हो। लोग यहाँ आते थे यूपी के पढ़ने के लिए, यहाँ मध्य प्रदेश के लोग आते थे, यहाँ नेपाल के भी लोग पढ़ते थे, यहाँ उत्तराखंड हरिद्वार को भी लोग पढ़ते थे। प्रशासन को मालूम है कि उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज का कचरा है, लावारिस लाश वहाँ नहीं गाड़ा जाता, चूंकि लावारिस लाश गाड़ने की जवाबदेही प्रशासन की, तो प्रशासन को खुद पता है। तो अगर सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ाया जा रहा है, तो अगर प्रशासन इस बात को खंडन कर देता कि नहीं साहब वहाँ लावारिस लाश नहीं है, वहाँ बेगूसराय लोहिया नगर और क्या कहते हैं तिलक नगर का लाश नहीं है, तो ये विवाद उठता ही नहीं। मुसलमानों को जो कन्फ्यूजन पैदा करके, मुसलमानों के बीच अफवाह फैला करके, उसमें प्रशासन भी चुप रह के उसको मजबूती प्रदान कर रही है, उसका कारण कुछ नहीं। कुछ लोगों को मेयर बनना है, उनको थोक भाव में मुसलमान का वोट लेना है, इस सब टाइप के लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और प्रशासन चुप है, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन बेगूसराय के किसी MLA MP ने एक भी इंस्टीट्यूशन बेगूसराय को नहीं दिया। हाँ, जितने इंस्टीट्यूशन खुले उसके जो संस्थापक दाता परिवार थे उनको उस इंस्टीट्यूशन से मुकदमाबाजी जरूर करवा दिए यहाँ के लोग। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं KB स्टूडियो का प्रोग्राम, और आज ये प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से एक नया एपिसोड स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बेगूसराय की जितने भी ऐतिहासिक और पुरानी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सुने नहीं बस देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानने की इच्छा हम लोगों को रहती है। तो जैसे ही उसके बारे में हम लोग कुछ तो सर्च करते हैं बट बहुत कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे बड़े दादा योग लोग अभी भी हैं जो उसकी स्टोरी को भली भांति जानते हैं, और आज उसी ऐतिहासिक कहानी को मैं रूबरू आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, और साथ ही साथ आप लोग इस स्टोरी को पूरी अच्छी तरीके से सुनिएगा, अपना राय विचार भी डालिएगा ताकि अगला एपिसोड इस तरीके का हम लोग बनाएं, और साथ ही साथ ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ जिससे जिन्हें कोई पहचान के मोहताज नहीं है, वो भले भांति आप लोग सब कोई उन्हें जानते हैं, और इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है। अगर इन्हें विकास पुरुष भी अगर हम लोग कहें तो कहीं से कोई आशंका नहीं है, और आज आयुर्वेदिक कॉलेज पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग जब भी उधर लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास से गुजरते हैं, चाहे चढ़ने के वक्त गुजरे या उतरने के वक्त गुजरे या ऐसे गुजरे, तो हम लोग ये सोचते हैं यहाँ जो आयुर्वेदिक कॉलेज बना है, कब बना है, कैसे बना, क्यों बना, और यहाँ का जो क्लास स्टार्ट हुआ था कैसे स्टार्ट हुआ, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें काम कैसे मिले, पढ़ाई कैसे किया जाए। तो आज इसी पे चर्चा होगा कि इसकी स्टोरी जो है आजकल जो है सुर्खियाँ भी बटोर रही है, क्योंकि उसके सटे हुए जो एक बोल सकते हैं उसके बाउंड्री वॉल के अंदर ही एक जो ज़मीन का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो है आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आइए पहले सबसे पहले आयुर्वेदिक कॉलेज पे चर्चा करते हैं और का जो इतिहास है आज जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है अनिल जी। सबसे पहले अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे KB स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। तमाम वो बेगूसराय के जो दर्शक अभी हम लोगों को साथ में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो भी इस स्टोरी को जानना चाह रहे हैं, आज उसका जो है वह कॉलेज का कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे यहाँ पे पहुँचा और कैसे आज सुर्खियों में है, हम चाहेंगे कि वो तमाम स्टोरी, वो तमाम कहानी जो आपके अंदर है आज रखिए, आज बेगूसराय के तमाम जिलेवासी को, जिलेवासी आज सुनेंगे हम लोगों को। 1945 ईस्वी में बेगूसराय में नावकोठी के एक जमींदार बाबू अयोध्या प्रसाद सिंह ने अपनी हजारों एकड़ जमीन को एक APS ट्रस्ट के नाम से, अयोध्या प्रसाद सिंह ट्रस्ट इस्टेट के नाम से रजिस्टर्ड किया, और उसमें उन्होंने अपने आय के 50% से कुछ चैरिटेबल और कुछ निर्दिष्ट लोगों को सहयोग का सम्मान की व्यवस्था की। उस समय ट्रस्ट बनाने के समय भी ध्यान में यह था कि जितना से ज्यादा हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित शिक्षा, और तीन इंस्टीट्यूशन का उन्होंने प्रावधान किया। एक स्कूल नावकोठी मिडिल स्कूल, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में ही 1936 में स्थापित किया था। दूसरा उन्होंने
कहा कि ट्रस्ट के आय से 50,000 रुपया में जमीन खरीद के एसेट तैयार करके आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हो। प्रथम प्रयास हो कि नावकोठी में खुले, अगर किसी वजह से नावकोठी में नहीं खुले तो बेगूसराय में खुले। और जब आयुर्वेदिक कॉलेज फुल फ्लेजेड हो जाए, आयुर्वेदिक कॉलेज अपने आप में सक्षम हो जाए या सरकारीकरण उसका हो जाए, तो फिर ट्रस्ट एक एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना करे जिसका नाम राम कुमारी अयोध्या एग्रीकल्चर कॉलेज होगा। और ट्रस्ट के आय के 50% से सालाना खर्चा से उस कॉलेज को चलाया जाएगा। 1946 में उलाव स्टेट के कचहरी रोड में एक मकान था जिसमें अभी शहादत का या पहले कहिए पोस्ट ऑफिस था, वहाँ एक बिल्डिंग थी उलाव स्टेट की, उसी में क्लास स्टार्ट हुआ 1946 में। 7 मई 1947 को बाबू अयोध्या प्रसाद सिंह का देहावसान हो गया और उनके जगह पर उस ट्रस्ट के ट्रस्टी और सुपरवाइजिंग ट्रस्टी हमारे पिताजी, जिनके अयोध्या प्रसाद फूफा थे और फूफा लेकिन कहिए धर्म पिता भी कह सकते हैं। जब ये ट्रस्टी हुए तो प्रावधान था आयुर्वेदिक कॉलेज क्लास तो स्टार्ट हो गया था, तो 50,000 रुपया ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट की अध्यक्षा उस समय राम कुमारी देवी थी जो अयोध्या प्रसाद की पत्नी हुई, उन्होंने 50,000 रुपया समस्तीपुर सेंट्रल बैंक में FDR में जमा हुआ फिक्स डिपॉजिट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए। लेकिन जब नावकोठी में जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया तो ये जो लोहिया नगर वाली जमीन, माने लोहिया नगर ने कही उसको गांधी नगर कहिए, वो जो जमीन थी वो हमारे अयोध्या प्रसाद सिंह से रिश्ते में भाई थे उनके बड़े, और चूंकि अयोध्या प्रसाद भाई में अकेले थे, गुटिया उतिया से बहुत लड़ाई उड़ाई रहता था, तो गार्जियन वही थे। तो जानकी बाबू की अपनी जमीन थी खरीद, 1900 ईस्वी में उन्होंने खरीदा था आयुर्वेदिक कॉलेज का जो प्लॉट देख रहे हैं आप, वो प्लॉट लगभग 4 बीघा 6 कट्ठे का वो प्लॉट है और जमीन उसमें खरीद हुई थी एक 1900 ईस्वी में, एक 1909 में, 1901 में खरीद हुआ था 1 बीघा 6 कट्ठा, 1909 में खरीद हुआ 1 बीघा 19 कट्ठा और 1910 में खरीद हुआ 1 बीघा 1 कट्ठा। और ये इसमें विभिन्न खाता खेसरा की जमीन है, प्लॉट नंबर कई हैं उसमें, और सब मिला के वो एक प्लॉट था जिसके पूरब कह सकते हैं आप मंझोल रोड, पश्चिम बाघा सीमान, उत्तर रेलवे, और रेलवे के साथ साथ उत्तर नहीं दक्षिण रेलवे, रेलवे के साथ साथ एक रघु मिश्र थे जिनका 104 खाते की जमीन थी, वो चौहदी में थे और रेलवे एक्वायर कर चुका था उनका कुछ हिस्सा, जिन लोगों से जानकी बाबू ने खरीदा उनका कुछ हिस्सा रेलवे एक्वायर किया था, जो 80 नंबर खेसरा है जिसको लोग खेसरे हिंद है। तो 1948 में हमारे बाबूजी के और मैंने हीराओ और बलदेव बाबू जो दूसरे ट्रस्टी थे हमारे नाना, उन दोनों के आग्रह पर हमारी नानी और जानकी बाबू लड़के सिंहेश्वर बाबू और हमारी माँ, वो उस प्रॉपर्टी के तीनों यही मालिक थे, इनसे आग्रह किया गया तो इन लोगों ने कहा कि हम बेचेंगे नहीं लेकिन आपको हम मौखिक लाइसेंस देते हैं, दान कर देंगे, आप उसमें कॉलेज खोलिए उनके नाम से। चूँकि मेरे माँ के वो चचेरा नाना भी थे अयोध्या और बाबू जी के फूफा थे, और परिणाम हुआ कि जो वहाँ 48 में शिलान्यास हुआ, उस समय अन्य हरी मार्ग जो आप देख रहे हैं पटना में, वही गवर्नर थे उस समय, उन्होंने ही शिलान्यास किया 48 में, और उसके बाद संपूर्ण हिंदुस्तान में इस कॉलेज का ही नाम था, इस कॉलेज को आयुर्वेदिक कॉलेज में, आयुर्वेदिक जगत में इसका एक विश्वव्यापी नाम था इस कॉलेज का। और यहाँ जितने हिंदुस्तान में बड़े
विद्वान हुए आयुर्वेद के, चाहे प्रियव्रत शर्मा हो, आपको क्या कहते हैं ब्रह्मदत्त शर्मा हो जो श्रीलंका के डायरेक्टर हुए, रामरक्ष पाठक हो जो आजीवन बैद्यनाथ के वैद्य रहे, तो बड़े बड़े विद्वान इसमें रहे और जिसका परिणाम हुआ कि इसके विद्यार्थी और इसका नाम संपूर्ण हिंदुस्तान में था। 77 में 76 में एपीएस ट्रस्ट ने अपनी सारी संपत्ति सरकार को सुपुर्द कर दिया कि अब हम इसको चलाना नहीं चाहते हैं। हमारे पिताजी की अध्यक्षता में वो रिजोल्यूशन हुआ और 2/6/76 को रिजोल्यूशन हुआ। 20 जून 1976 को सरकार ने गजट करके वो सारी संपत्ति ट्रस्ट की जो थी और ट्रस्ट का जो दायित्व था, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज, मिडिल स्कूल, नावकोठी और एग्रीकल्चर खोलना था, उसको हम लोगों ने एपीएस ट्रस्ट ने जो उनको दिया कमेटी में, वो प्रबंधन दिया कि अब हम प्रबंध नहीं करेंगे, आप प्रबंध कीजिए और उसके ट्रस्ट के हिसाब से उसको चलाइए। तो एग्रीकल्चर कॉलेज तो नहीं ही खोला, उसका तो सब जमीन बांट उठ के ही लोग पर्चा उर्चा देके अपना पॉलिटिकली लाभ उठाए पॉलिटिकल लोग, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज का 77 में गवर्नमेंट ने सरकारीकरण कर लिया। सरकारीकरण के वक्त हम लोगों ने कहा कि साहब रसायनशाला जिसमें है वो हमारे कैंपस रेसिडेंशियल हाउस के अंदर है, आप इसको सुविधा अनुसार, चूंकि अपना ही कॉलेज था तो गर्दन पर हाथ देकर तो नहीं भेजा जाता जी, चलिए भाई उठा बिक दें, सुविधा अनुसार ले जाइए। लेकिन 85 में आके भोला सिंह से व्यक्तिगत हम लोगों का अच्छा संबंध नहीं था, तो भोला बाबू के दबाव में उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को बरगला के रसायनशाला की उस जमीन को हमारे इस कैंपस से अलग किया गया और बाउंड्री दे दिया गया। तो हम लोगों ने मुकदमा किया जो मुकदमा अभी भी चल रहा है। परिणाम यह हुआ कि हम लोगों का कहना था कि आप इसको ले जाइए और तब जो रेस्ट जमीन जो हम दिए हुए हैं आयुर्वेदिक कॉलेज को, मौखिक ही जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हम उसका दान पत्र आपको बना देते हैं ताकि आगे कठिनाई नहीं हो कॉलेज को। लेकिन चूंकि विवाद में भोला सिंह थे, उन्होंने प्रिंसिपल को भी सब को बरगला के इस लड़ाई को बढ़ाए रखा। परिणाम हुआ कि 2009 में आयुर्वेदिक कॉलेज का एफिलिएशन सीज हो गया, इसका एडमिशन बंद हो गया। फिर इधर 2 साल से आयुर्वेदिक कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, चूंकि यही इसी कॉलेज से एक पास किए थे विद्यार्थी जो अभी आयुष के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में या डायरेक्टर थे, तो उन्होंने उनका चूंकि यहाँ पढ़े थे यहीं से पास किए थे तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इधर से हम लोग भी थे कि जो इसको जितना जल्दी हो चालू किया जाए, तो इस बार इसको मिला और 257 करोड़ रुपये का फंड इसको मिला है। 2 साल पहले जब इसको फंड मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आ गया है, तो प्रिंसिपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि जो रसायनशाला की भूमि पर भूमाफिया की नज़र है, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने लीगल नोटिस भेजा और मैंने कहा कि जब इसको ठीक कीजिए, अपना आप ये भाषा का प्रयोग मत कीजिए नहीं तो कॉलेज को कल कठिनाई होगी, कॉलेज को अभी भी जब तक जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक उस पर गवर्नमेंट के पैसे से कुछ नहीं बन सकता है, ये कानून है। लेकिन उसके बाद लीगल नोटिस के बाद इन्होंने अपना खड़ियंत्र शुरू किया। उस खड़ियंत्र में इन्होंने क्या किया कि आयुर्वेदिक कॉलेज का जो प्लॉट है उसमें 1 बीघा 6 कट्ठा जमीन या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है बाउंड्री किया हुआ है, मैंने कही है कि उस प्लॉट को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट हो गया आयुर्वेदिक कॉलेज का बाउंड्री हो गया जो हो गया उस जमीन का उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर, और उसका दक्षिणी और पश्चिमी भाग जो बचा जमीन का उसको हमने लोगों हमारे पूर्वजों ने बाउंड्री करके उसमें गेट लगा दिया। और 1926 ईस्वी में 1929 में हिजरी सन कहिए 1347 एक यहाँ ओवरसियर थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, उनका नाम था इजहारुल हक। इजहारुल हक साहब हम लोगों के परिवार से बहुत जुड़े हुए थे, यहीं उस समय मंझोल रोड बन रहा था और ये चंदपुरा रजौड़ा रोड जो हम लोगों के नावकोठी कंसर्न था,
ओवरसियर परिवार का हम लोगों से अच्छा संबंध था। उनका देहांत हुआ 1929 में, सन 1347 से जी। और उस समय के यहाँ लोकल मुसलमान का जो कब्रिस्तान था, चाहे पोखरिया हो, जागीर टोला हो, हरक हो, इन लोगों ने किसी ने उनको स्थान नहीं दिया दफनाने की इजाज़त। तो हुआ कि ठीक है, चलिए हम लोगों से अच्छा सरोकार था तो हम ही लोग दे देते हैं परमिशन। हम लोग अपने ज़मीन पर, वैसे आयुर्वेदिक कॉलेज के जो पीछे वाली ज़मीन, उस समय तो एक ही प्लॉट था, उस समय तो आयुर्वेदिक कॉलेज खुला भी नहीं था, तो वो इजाज़त दे दिया गया और कब्रिस्तान कब्र बना। उसके बाद 1938 में उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ओवरसियर थे, उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उनको भी लोगों ने जगह नहीं दिया यहाँ के मुसलमानों ने, तो मानवता के नाते हम लोग ने उनको भी परमिशन दे दिया, तो दो कब्र उसमें बना हुआ था। और कानून था कि लावारिस लाश जो सरकार की होती थी, चाहे वो रेलवे का हो या थाना का हो, तो उसके डिस्पोजल के लिए रेलवे ने कांटेक्ट किया सब जगह है यहीं बेगूसराय में, कि जितना मेडिकल कॉलेज था उसको विद्यार्थी के प्रैक्टिकल के लिए, टीचिंग के लिए लाश की ज़रूरत होती थी, तो वो सप्लाई गवर्नमेंट ही देती थी। तो आयुर्वेदिक कॉलेज का भी सबक क्षेत्रगिरी है, ठीक जहाँ अभी लोग बताते हैं कि जो कब्र है उसके ठीक पीछे, और वहाँ लाश आता था और जब मेडिकल कचरा हो जाता था, सर उसे जाता था, तो उसको डिस्पोजल कर दिया जाता था। तो प्रिंसिपल को ये मालूम था कि इसमें दो कब्र है बना हुआ पक्का और कुछ मेडिकल कचरा है गड़ा हुआ, तो प्रिंसिपल ने हमारे हमसे विवाद होने की वजह से इसको प्रचारित किया यहाँ के कुछ मुसलमानों से, कोई नॉलेज में दिया, अफवाह फैलाया कि ये कब्रिस्तान है और इसमें कब्र गाड़ा जाता है, और लोहिया नगर का और इसका तिलक नगर का के पूर्वजों का कब्र है। 22 तारीख को हमने उसको साफ कराया, 29 तारीख को लोगों ने दरखास्त दिया, मुसलमानों के द्वारा दरखास्त दिया गया, और सबसे पहले आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस बाउंड्री वॉल पर, जो हमारा बाउंड्री वॉल उस गेट्स के बगल से है, उस अपने बाउंड्री वॉल पर कब्रिस्तान लिखवाया। और फिर 8 मार्च को उसमें एक बोर्ड लगाया गया नया, एकदम मिल्लत कब्रिस्तान कमेटी लोहिया नगर। और उसके बाद 29 को दरखास्त पड़ा उस, और इधर लाश लेके दफन करने का प्रयास किया गया उस जमीन पर, लेकिन हमारी तरफ से भी रोक हुआ और पुलिस प्रशासन भी आ गई, सीओ भी आ गए, ताला उला लग गया, ये लोग को लाश वहाँ नहीं गाड़ने दिया गया। इन लोगों ने कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन किया। अभी इसको हम मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि हमको एक ऐसा बुझौल बुझाओ जो हम बुझ जाएं, अगर नहीं बुझेंगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर लेंगे। तो बीरबल को लगा कि साहब ऐसा कोई बात अगर हम करें तो कोई हल्का से हल्का बुझौल पूछेंगे तो कह देगा कि हम नहीं बुझे तो हमारा सर गया। तो उसने बुझौल बुझाया कि घर घर में वो रहती है, चूहा मार मार खाती है, बिल्ली उसका नाम है, बोलिए क्या है। तो इस बुझौल को भी जिसको बुझने नहीं आवे तब तो पागल होगा, मूर्ख होगा, वो राजा होने लायक नहीं होगा। तो अकबर को कहना पड़ा कि नहीं साहब ये बुझौल हम बुझ रहे हैं, तो जान बच गया उसका। तो वही इस कब्रिस्तान का बुझौल है कि कब्रिस्तान वाले का दावा है, जो लोग कहते हैं कि ये कब्रिस्तान है, उनका दावा ये है कि इसमें लोहिया नगर का और तिलक नगर के पूर्वज का कब्र है और लावारिस लाश का कब्रिस्तान है, वहाँ कब्र बोल रहा है, कब्र पर लिखा हुआ है कि यह कब्र बेगूसराय का नहीं है, बेगूसराय के बाहर के लोगों का है। और लावारिस लाश जिसकी बात हो रही है वो मेडिकल कचरा है,
कि जब इतना स्पष्ट है कि बिल्ली नाम बताया भी गया है, जब सब चीज जान रहा है, उसके बाद प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, बुझोबल बुझ रहा है कि यहाँ कब्रिस्तान है कि नहीं, जबकि कब्रिस्तान है कि नहीं है ये जांचने का अधिकार, ये तय करने का अधिकार न सिविल कोर्ट को है, न रेवेन्यू कोर्ट को है, न हाई कोर्ट को है। ये जब भी जांच होगा तो उसका ज्यूरिडिक्शन है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड ही तय कर सकता है कि ये कब्रिस्तान है अथवा नहीं है। तो ये अननेसेसरी, ये लोग इस बुझौल को बुझते हुए भी कह रहे हैं कि जो हम नहीं बुझे हैं इसलिए आपका सर कलम करेंगे, इसको कब्रिस्तान बनावे, तो जो होना है नहीं, जो संभव नहीं है, जो गैरकानूनी है, चूंकि यहीं बेगूसराय में ही SDO कलेक्टर या यहाँ का लोकल कोर्ट है, वो जो डिसीजन दे देगा वही सही होता है, सो बात है नहीं। लेकिन अननेसेसरी हमको परेशान करने के लिए ये प्रिंसिपल के द्वारा फैलाया गया ऐसा ही मैंने कहिए झूठा और बेबुनियाद अफवाह फैलाकर और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की परिस्थिति लोगों ने पैदा किया है। जबकि वाजिब में भी होना चाहिए था कि प्रशासन को सबसे पहले वो मिल्लत कब्रिस्तान कमेटी का जो बोर्ड लगा हुआ है उसका कौन पदाधिकारी है, कब वो स्थापित हुआ, कहाँ से रजिस्टर्ड है, उसकी जांच करना, उसको पता करना और प्रिंसिपल से पूछना कि इसमें जो लाश है वो किसका है। प्रिंसिपल के इसका को ये आपराधिक मामला है कि प्रिंसिपल ने अफवाह पैदा करके बेगूसराय के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है और प्रशासन चुप है। प्रशासन को मालूम है कि उसमें कब्र बाहर का है, लेकिन एक भी स्टेटमेंट प्रशासन के द्वारा, प्रशासन को मालूम है कि उसमें आयुर्वेदिक कॉलेज का कचरा है, लावारिस लाश वहां नहीं गाड़ा जाता है, चूंकि लावारिस लाश गाड़ने की जवाबदेही प्रशासन की है, तो प्रशासन को खूब पता है। तो अगर सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ाया जा रहा है, तो अगर प्रशासन इस बात को खंडन कर देता कि नहीं साहब वहाँ लावारिस लाश नहीं है, वहाँ बेगूसराय लोहिया नगर और क्या कहते हैं तिलक नगर का लाश नहीं है, तो ये विवाद उठता ही नहीं। मुसलमानों को जो कन्फ्यूजन पैदा करके, मुसलमानों के बीच अफवाह फैला करके, उसमें प्रशासन भी चुप रह के उसको मजबूती प्रदान कर रही है, उसका कारण कुछ नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि इसमें इंटरेस्टेड बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दबाव में प्रशासन चुप है। अच्छा, इसी वजह से आजकल जो है ये आयुर्वेदिक कॉलेज भी सुर्खी बटोर रहा है। हाँ, यही वजह है कि साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेज की भी चर्चा हो जाती है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय के चिकित्सा के लिए हुआ था, बेगूसराय के आज लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया रामदेव बाबा ने, लेकिन 1946 में आयुर्वेदिक कॉलेज विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक कॉलेज के द्वारा अपनी हिंदुस्तान की जो प्राकृतिक कहिए चिकित्सा का जो हमारा व्यवस्था था उसको डेवलपमेंट में, उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान बेगूसराय के इस कॉलेज का रहा। और एक कहानी मैं और बता देना चाहता हूँ, मैं सुना देना चाहता हूँ कि एक राजा था, तो उसने अनाउंस किया कि जो व्यक्ति हमको नया कहानी सुनाएगा तो उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, और अगर वो मैं सुना हुआ रहूंगा पहले से हमको मालूम रहेगा वो कहानी तो उसको कारावास होगा। उस राजा की याददाश्त बहुत तेज थी, तो जो जाए कोई कहानी सुनावे तो दोहरा दे कि कहानी तुम सुने हुए हैं, उसको बंद कर दे। स्थिति हुई कि जो बने कई लोग जेल चले गए, तो एक पंडित का लड़का पहुंचा हुआ, तो उसने कहा कि जे हे राजन, युद्ध काल में आर्थिक संकट के वक्त आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1000 स्वर्ण मुद्रा ली थी, अगर ये कहानी आपको, अगर ये बात आपको पता है तो हमारा वो 1000 स्वर्ण मुद्रा लौटा दिया जाए, अगर आपको नहीं पता है तो नया कहानी मान के हमको आधा राज्य दे दिया जाए। राजा के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, वही इस मामले की स्थिति है कि अंत में होना वही है, लेकिन इसको विवादास्पद बना के, इसको माहौल बना के झूठ मूठ का एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति, एक राजनीतिक, अभी मेयर का चुनाव है, कुछ लोगों को मेयर बनना है, उनको थोक भाव में मुसलमान का वोट लेना है, इस सब टाइप के लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं
और प्रशासन चुप है, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह। सबसे पहला क्लास कब स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदिक कॉलेज में? 1946 से। आज जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें कहाँ के बच्चे आए थे पढ़ने के लिए उस टाइम पे, कुछ याद है? नहीं, हम तो उस समय जन्म भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ आते थे यूपी के पढ़ने के लिए, यहाँ मध्य प्रदेश के लोग आते थे, यहाँ नेपाल के भी लोग पढ़ते थे, यहाँ उत्तराखंड हरिद्वार को भी लोग पढ़ते थे, और यहाँ विद्वान सब जो रहे उसमें नामी विद्वान सब, तो नाम आपको हम बता ही चुके हैं, कई और लोग थे जो यहाँ के बहुत नामी विद्वान रहे। और बेगूसराय में आप देखिएगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लोग यहाँ के गांव देहात में भी आज भी इस पर विश्वास करते हैं, और आयुर्वेद का के डेवलपमेंट में जो योगदान इस कॉलेज ने दिया, सरकारीकरण होने के बाद इस कॉलेज की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि आज एक विवादास्पद कॉलेज बन के ये रह गया है। आज भी इसका नाम है, लेकिन नाम इसके प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, इसके अप्रतिष्ठा के अनुरूप है। इसको बदनाम किया जा रहा है, इसके संस्थापक को बदनाम किया जा रहा है, इसके दाताओं को अपमानित किया जा रहा है, इसलिए ये स्थिति समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। सर, एक तरफ आप भी सुने होंगे कि बेगूसराय जो है चिकित्सा का हब माना जा रहा है अब, और दूसरी तरफ जो है आयुर्वेदिक कॉलेज की यह स्थिति है, और जहाँ पे आप बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज का जो स्थापना इतने बहुत सालों पहले हो चुका है, बहुत वर्ष पहले हो चुका है, और तमाम जगह के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे जबकि यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ था, सेशन स्टार्ट हुआ था, और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, या क्या स्थिति है अभी के समय में, क्या आपको क्या पता है? नहीं, कॉलेज तो है ही, स्थिति तो है, इधर परमिशन मिला है, विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई सब में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन कठिनाई ये है कि जो इसके जो मैंने प्रिंसिपल हैं वो 2-3 महीना में रिटायर करने वाले में हैं, तो उनको तो उनका अभी जो प्रयास ही 2 साल से रहा, जो किसी तरह उनके पीरियड में 271 करोड़ आ जाता, 257 करोड़, तो 2% कमीशन मिलता तो अच्छा मिल जाता। इस चक्कर में उन्होंने कॉलेज के डेवलपमेंट के बजाय अपने डेवलपमेंट के लिए बेगूसराय में सामाजिक तनाव, सामाजिक परिस्थिति बेगूसराय में इस कॉलेज की बदनामी का मुख्य कारण बन चुके हैं, चूँकि उनको 2-3 महीने में रिटायर होना है, लेकिन संभावना है वो लगे हुए हैं कि जो उनके भाई प्रिंसिपल हो जाएं, जो कमीशन में मिल जाएगा। असल लड़ाई इन लोगों की, इन लोगों ने कॉलेज पर ध्यान देना छोड़ के अपना आर्थिक लाभ के लिए इन लोगों ने इसको बर्बाद करने का प्रयास किया है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और स्टार्टिंग में भी आपने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनने के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज बनने का यहाँ पे जो है चर्चा हो रहा था, और चर्चा में ही रह गया, और आज आप भी हैं और हम भी हैं, तमाम बेगूसराय जिलेवासी हैं, अन्य जिलेवासी भी देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, यही एग्रीकल्चर करने के लिए अभी जो है बच्चे दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं, और मोटे मोटे रकम जो है वहाँ उनको भरना पड़ता है। अगर वही फैसिलिटी, वही जगह चीज़ अगर यहाँ होता तो आज ये समस्याएं ही नहीं होते, और आज बच्चे को बाहर जाके पढ़ने की नौबत भी नहीं आती। आज आयुर्वेदिक कॉलेज है, और आयुर्वेदिक कॉलेज में भी बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं, और पीछे इलाज भी होता है, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि पीछे जो है इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। सुबह में डॉक्टर बैठते हैं, शाम में भी बैठते ही होंगे, और बहुत लोग जाते हैं और वहाँ से ठीक भी होके आते हैं। और साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं यह स्थिति होते जा रही है, जहाँ पर बिहार में बेगूसराय औद्योगिक नगरी कहा जाता है, चिकित्सा का हब कहा जाता है, तो शिक्षा के मामले में इतना पीछे क्यों है? और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक कॉलेज जो जगह पर है, जितना फेमस है, और भी उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए ताकि यहाँ के तमाम जो बच्चे हैं उन्हें लाभ मिले, वो वहाँ पे जाके पढ़ सके। बेगूसराय जिले में जितने शिक्षण संस्थान हैं, एक भी यहाँ के राजनीतिज्ञों के द्वारा स्थापित नहीं है, और राजनीतिज्ञों के बीच अब हम लोग तो अभी भी देखते हैं कि यूपी का चुनाव था पिछले बार, तो मंत्री लोग अपने क्षेत्र में आके गिनाते थे कि हमने डिग्री कॉलेज खोला, हमने फलना किया, इसके लिए वोट चाहिए हमको, लेकिन बेगूसराय के किसी MLA MP ने एक भी इंस्टीट्यूशन बेगूसराय को नहीं दिया। हाँ, जितने इंस्टीट्यूशन खुले
उसके जो संस्थापक दाता परिवार थे उनको उस इंस्टीट्यूशन से मुकदमाबाजी जरूर करवा दी है यहाँ के लोग। और यही परिणाम रहा कि 80 के बाद बेगूसराय में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुला। 61 में 46 में जीडी कॉलेज की स्थापना हुई, 46 में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हुई, 61 में महिला कॉलेज की स्थापना हुई, 45 में गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना हुई, 1936 के आसपास गर्ल्स मिडिल स्कूल की स्थापना हुई, उसके बाद आपको कोऑपरेटिव कॉलेज की स्थापना हुई 70 में, जीडी कॉलेज हो गया, कोऑपरेटिव कॉलेज हो गया, महिला कॉलेज हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, बस यही चार कॉलेज है। हाई स्कूल में आप आ जाइए, बीपी स्कूल सबसे पुराना, उसके बाद जेके स्कूल, उलाव स्टेट को भी मुकदमा लड़ना पड़ रहा है जेके स्कूल से, आधा जमीन उस जो दिया है आधा जमीन उसने भी नहीं दिया है, बगल में उसकी आधी जमीन है उस पर स्कूल क्लेम कर रहा है, वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ही खेल वेल है। उसके बाद ज्ञान भारती स्कूल हमारे पिताजी का स्थापित किया हुआ था और हमारे फूफा के पिताजी जो थे हरक अयोध्या शीतल बाबू उनके परिवार ने वो जमीन डोनेट किया, तब तो उसका नाम अयोध्या प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय पड़ा। चूंकि बाबूजी ने उसकी स्थापना की थी इसलिए लोग समझता है कि यही अयोध्या बाबू का वो भी स्कूल है लेकिन वो अयोध्या बाबू हमारे फुफेरे भाई मुन्ना थे उनके दादाजी का नाम से। तो बेगूसराय में जितना इंस्टीट्यूशन खुला इस सारे के सारे 75-80 के दशक से के पहले के, और 75 के बाद जो राजनीतिक नेतृत्व आया बेगूसराय जिले में, चाहे वो भोला सिंह हो, भोला सिंह के अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में अगर एक भी कॉलेज एक भी स्कूल की स्थापना की बात करा दे कि भोला हो के प्रयास से हुआ है, तो बेगूसराय के विकास की जो लोग बात कर रहे हैं, अभी जो जनप्रतिनिधि है, आयुर्वेदिक कॉलेज का इतना बड़ा मामला है, आज तक किसी प्रतिनिधि ने फोन उठा के भी हमसे नहीं पूछा होगा कि अनिल जी ये जो विवाद आयुर्वेदिक कॉलेज से हो रहा है क्या बात, जानना भी नहीं पसंद करते हैं। चूंकि वो लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने संस्थाओं को खड़ा किया है, जिन लोगों ने बेगूसराय के विकास में योगदान दिया है, उनके परिवार के लोगों का नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं आवे ताकि हमको नेतागिरी करने में सहूलियत हो। और जब ये स्वभाव होगा जहाँ के जनप्रतिनिधियों का, तो वहाँ डेवलपमेंट का तो सोचने का सवाल नहीं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, अगर देखा जाए जिस समय स्थापना हुई थी और कई वर्ष हो चुके हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव भी होना चाहिए आयुर्वेदिक कॉलेज में? आयुर्वेदिक कॉलेज का तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि अगर जमीन डोनेशन नहीं हुआ, अगर दाता परिवार ने रजिस्टर्ड डोनेशन उसको नहीं किया, तो उस पर तो बिल्डिंग बनेगा ही नहीं, उसको ही लोग ले जाना चाह रहा है। जब देखा कि यहाँ दिक्कत है तो लाखों कुमड़ी नाकोठी का जो अस्पताल है उसकी जमीन है यहाँ भर्रा में, तो उस भर्रा पर गया। लेकिन सरकार अगर गलत जगह पर पैसा लगाएगी तो पैसा तो बर्बाद होगा। हमने गवर्नमेंट को लिखा भी है, हमने सीओ को भी लिखा कि आप एनओसी कैसे दीजिए। डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि पहले तो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी संपत्ति क्या है, उसका उसके दाता को हैं, उनसे अगर डोनेशन नहीं हुआ है लिखित में तो उनसे दान पत्र लेना, इसके लिए प्रयास करना। तो को प्रयास करेगा दान पर, हम जैसे जमीन दिए हुए हैं तो हमको भूमि माफिया कहता है, हम जाके प्रिंसिपल के खड़ा हो जाए कि सरकार हमारा से लिखा ही लियो, ये होगा कि जनप्रतिनिधियों को पहल करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को यहाँ से ट्रांसफर करना होगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। और वार्ता करके एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो विवाद है अगर वार्ता से सुलझ जाए, नहीं तो मुकदमा सुलझेगा तो दूसरा बड़ा स्तर सुलझेगा, तब तक कॉलेज रहेगा। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम जब जिद पर लड़ेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक थोड़े लड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे तो कम से कम 100 साल तक इसको लगेगा। तो 100 साल जिस कॉलेज का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, एक ईटा नहीं जोड़ाएगा, तो कॉलेज बंद होगा कि नहीं होगा? जहाँ पे सर आप एक बात बोल रहे हैं कि 75-80 के बाद कोई भी हाई स्कूल या कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है, आखिर कब तक ये राजनीतिक जो है या और भी चीज़ कह सकते हैं जो शिक्षा के लिए बाधा बनते रहेगा, कब तक शिक्षा जो है भेंट चढ़ते रहेगी, कब तक यहाँ के बच्चे जो हैं दर बदर भटकते रहेंगे, आखिर कब तक?
इसका तो उत्तर मेरे पास नहीं है, ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो लोग जवाब ले हैं बेगूसराय जिला के विकास के लिए, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये लोग बता सकते हैं कि कब होगा। मेरे समझ से तो जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी तो न कोई देने वाला होगा न कोई संस्था खुलेगा। जहाँ एक तरफ शिक्षा को लेके इतना जागरूक किया जाता है और जहाँ एक तरफ दिखाया जाता है कि शिक्षा को लेके शिक्षित होइए शिक्षित बनिए, लेकिन कैसे बनेगा? जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और स्कूलों और कॉलेजों की संख्या वही है जहाँ पे थी। हालांकि हम लोग स्टोरी तो किसी और पे स्टार्ट किए थे लेकिन ख़त्म कहीं और पे हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या विशेषता है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या खराबी है, वो सब कुछ जानकारी चाहिए ना। अभी हम सिर्फ विशेषता ही गिनवाने लगे या अनिल जी विशेषता ही गिनवाने लगे, आप लोग में ही कमेंट कीजिएगा कि अनिल जी आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, ये खराबी है वो खराबी है। हालांकि स्टोरी स्टार्ट किए थे हम लोग जहां से स्थापना हुई थी, कहां से क्लास स्टार्ट हुआ था, कहां कहां से बच्चे यहां पे पढ़ने आए थे, यहां से बच्चे पढ़ के कहां पे गए, वो सब चर्चा यहां पे हुआ। और तमाम वो सुविधाएं जो उस कॉलेज में चाहिए जो नहीं है उस पे भी चर्चा हुआ है। आज वह स्टोरी बताएं जो हम लोग कितने वर्षों से सोच रहे थे, ये जो कॉलेज है ये कैसे बना इसके बारे में जाने। चलिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके किसी दूसरे खबर के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।